उत्तर प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट पर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। एयरपोर्ट को लेकर अफसरों से किए सवाल जवाब। कल वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी कॉन्फ्रेंस में पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। कल ज्ञानवापी केस में आने वाले फैसले को लेकर हाई अलर्ट। हिंदू पक्ष की ओर से सभी कार्यक्रम रद्द। प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। दोनों पक्षों से सामाजिक सौहार्द बनाने की अपील। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बांटे जाने वाले मुफ्त राशन को बंद करने पर मायावती ने बोला हमला। कहा महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से हैं सभी त्रस्त। योजना को बंद करना गरीबों के साथ अन्याय। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में बहुत बड़ी कार्रवाई। सीएफओ, तत्कालीन आबकारी अधिकारी समेत 19 अधिकारी किए गए निलंबन। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अतुल राय की संपत्ति को किया गया कुर्क। करीब 58 लाख से ज्यादा की बेनामी संपत्ति पर वाराणसी कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई। गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला गिरफ्तार। गायत्री प्रजापति की कंपनी के पूर्व डायरेक्टर ने लगाया था जान से मारने की धमकी देने का आरोप। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा मुलायम सिंह यादव कुनबे के आखिरी सुल्तान है अखिलेश। भविष्य पर मंडरा रहा खतरा। पिछड़े वर्ग से आने पर मुझे बनाते हैं निशाना। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आई तेजी। मंदिर के गर्भगृह में लगाई जा रही राम का नाम लिखी विशेष प्रकार की ईंटें। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर जारी की फोटो। यूपी में बच्चा चोर की अफवाह फैलाने वालों पर लगेगा एनएसए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का सख्त निर्देश। बच्चा चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद का 99 साल की उम्र में निधन। एमपी के नरसिंहपुर में दोपहर 3:30 बजे आश्रम में लिया आखिरी सांस।